आज हम लोग सेट्स का एक एग्जांपल करने वाले हैं, ठीक है। तो सेट्स के एग्जांपल में, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है सेट का, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ सबसेट, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे फाइंड ऑल सबसेट ऑफ ए, ठीक है, सबसेट ऑफ ए। जो सबसेट ऑफ ए अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग ने शुरू में पढ़ा था एक एग्जांपल, इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन वन देन सबसेट ऑफ ए इज 2n1। अगर मेरा नंबर ऑफ सेट अगर मेरा n1 है, n1, देन सबसेट ऑफ ए इज 2n1। अभी देखो यहाँ मेरा n1 क्या है मेरा, इधर मेरा n1 का वैल्यू 1, 2, 3, तो मेरा ये n1 क्या मालूम है, n1 3 है। तो अगर 2 में 3 करता हूँ तो 8 आएगा, तो इसके अंदर मुझे 8 एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। ये सेट के अंदर मतलब सबसेट मुझे 8 एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसेट ऑफ ए इज, ठीक है, तो पहला तो एक एम्प्टी आएगा, ठीक है, लाल एम्प्टी भी एक सेट है, ठीक है, दिस इज योर नल सेट। उसके बाद ये एक सेट है ए, ठीक है, उसके बाद 1, ठीक है, फिर मैंने 5 ले लिया, ठीक है, उसके बाद ए कमा 1, ठीक है, फिर ए कमा 5, ठीक है, 1,5, देन 1,5। अभी देखो आप एक काउंट करो तो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमको 8 मिल रहा है n1, क्योंकि यहाँ 3 एलिमेंट है। अगर मैं 2:3 करूँ तो कितना होता है, 8 होता है ना, तो मुझे 8 एलिमेंट्स आ रहा, तो ये मेरा आंसर राइट हुआ, ठीक है। तो सबसेट ऐसा फाइंड आउट था। अभी देखो सिंपल से एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल 2 लेते हैं, ठीक है। तो फाइंड ऑल सबसेट ऑफ ए, ठीक है, मैं समझ लो C,4 लेगा। अब इसका हमको सबसेट अगर फाइंड आउट करना है तो क्या है, तो सिंपल एग्जांपल, तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसेट ऑफ ए, ठीक है, तो पहला तो एक नल सेट बनेगा, नल सेट तो पहले बनेगा, ठीक है, 1 हो गया, तो ये क्या होता है हमारे में, ये 2:2 होगा, 4 होगा, क्योंकि दो एलिमेंट है, मैंने 2 लिया, ठीक है, 4 आएगा, फिर सी आया, 4 आया, C,4 कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो हमको 4 मिला, जो कि हम लोग को यहाँ पे मिल रहा था। तो सबसेट को ऐसे हम निकालते हैं, तो ये वेरी सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। अभी आगे का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट में ये एक सेट होता है, पावर सेट एक टाइप का सेट होता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पी ऑफ ए मतलब पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए इज पावर सेट ऑफ ए, एंड कंटेन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए एंड इट्स एलिमेंट एज इट्स एलिमेंट। मतलब क्या होता है पावर सेट में, पावर सेट तो एक सेट होता है, एक्चुअली पावर सेट भी एक टाइप का सेट है, और उसको हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। अब वो क्या कंटेन, व्हाट इज पावर सेट, क्या कंटेन करता है, इट कंटेन ऑल पॉसिबल सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट मतलब ये वाला ऑल पॉसिबल सबसेट, ठीक है, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए, मतलब ये ले रहा सेट ए एज इट्स एलिमेंट, एलिमेंट की तरह
वो सेट को लेता है, जैसे कि पी ऑफ ए, ए क्या मेरा सेट है, ये मेरा सेट है, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा सॉरी ये भी मेरा एक सेट है, ये क्या मेरा, ये सबसेट हम लिखते हैं, ठीक है, और ये मेरा सेट है, तो एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, तो पावर सेट ये होता है, ठीक है। तो पावर सेट में हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे, पावर सेट का, पावर सेट का एग्जांपल, तो एक एग्जांपल मिला अपने को। अभी ये एग्जांपल में देखो क्या दिया है, अभी इसमें देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, आईआईटी जेईई में पूछा गया है, इफ ए इज इक्वल टू, अगर ए एक सेट है, ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, ये ठीक है, then the number of proper subset of the power set of a that is P is, एक ऑप्शन है सेवन, ए में एट, सी में 255 और डी में 120। ये एग्जांपल में क्या है, देखो इसमें क्या दिया गया है, ये एग्जांपल में देखा है, ये एक सेट है, ठीक है, सेट के अंदर हमको एलिमेंट्स दिया है, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक एलिमेंट है फाइव, फाइव बनाया है, ठीक है, ये मेरा एलिमेंट है, ये क्या है, ये नल सेट है, ठीक है, ये क्या है, एक सेट के अंदर नल सेट बनाया है, ठीक है, एलिमेंट्स के अंदर एक और सेट बनाया है, नल सेट है, तो देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ ए इज पी ऑफ ए, मतलब हमको पावर सेट पूछा है, हमको पावर सेट पूछा है, दैट इज पी ऑफ ए, पी ऑफ ए निकालना है। तो इसमें क्या है, देखो पी ऑफ ए में देखो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ
ए नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। अभी इसमें देखो एक दो तीन, ठीक है, तो हमारे पास कितना एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट दो और ये तीन, तो तीन एलिमेंट्स है, तो ये क्या आएगा, टू रेज टू थ्री, ये मेरा आठ आएगा, ठीक है, तो मेरे को आठ एलिमेंट मिलने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा आठ है, ठीक है। इसमें देखो तो मेरा ये नंबर ऑफ सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए टू आर, ठीक है, एन ऑफ ए हुआ, ठीक है। अब हमको पावर सेट निकालना है, पावर सेट ऑफ ए दैट इज पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए क्या होगा, पी ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, टू प्लस टू एट माइनस वन, टू रेस टू पावर एट माइनस वन क्या होगा, टू रेस टू माइनस वन होगा, टू 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 द फोर, फोर टू द एट, एट टू द सिक्सटीन, सिक्सटीन टू फिफ्टी सिक्स, आई थिंक ये टू फिफ्टी सिक्स होगा, ठीक है, टू रेस टू एट, ठीक है, टू रेस टू एट माइनस वन, तो ये टू फिफ्टी फाइव होगा, तो मेरा पावर सेट क्या आ रहा है, पावर सेट मेरा 255 आ रहा है, दैट इज दिस वन, ठीक है। इसमें हम लोग को पावर सेट ऑफ ए को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो एग्जांपल तो हमारा प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट मतलब ये क्या मेरा, ये मेरा प्रॉपर सबसेट है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ ए इज, ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर 255 आया, ठीक है। वेरी सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, मैं एक और बार इसको समझाता हूँ। देखो अगर एक सेट दिया है, सेट में तीन एलिमेंट है, तो मेरा नंबर ऑफ प्रॉपर सेट क्या होगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट ऑफ पी ऑफ ए क्या होगा, तो क्या है, नंबर ऑफ सबसेट दैट इज एन ऑफ ए, एन ऑफ ए इज टू रेज टू थ्री इज इक्वल टू एट, ठीक है, तो मेरा सबसेट है ये, मेरा देखो ये मेरा सबसेट है, और हमको पूछा क्या है, हमको प्रॉपर सबसेट पूछा ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो क्या होगा, तो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज टू रेज टू एट माइनस वन, ये जो एट मिला है ना ये पावर को हम लोग इधर लिखेंगे, ठीक है, तो टू रेज टू एट, ठीक है, ये मेरा क्या है एन वन का वैल्यू है, ये मेरा एन वन का वैल्यू है, टू रेज टू एट माइनस वन, तो टू रेज टू एट क्या होता है, टू फिफ्टी सिक्स होता है, माइनस वन टू फिफ्टी फाइव।